क्या अभी अब मैं 15 तारीख के बाद बोलूंगा किसके संगत है अब्दुल सत्ता, टाइम तो होना है, 23 तारीख को मतदान है ना। आज उमेदवारी अर्ज भी परत घेतलेला आहे। उमेदवारी अर्ज परत घेतल्यानंतर पुढे कुणाचा पाठिंबा द्यायचा, कोणाचा प्रचार करायचा, पुढची रूपरेषा आणि दिशा कशी ठरवायची हे 15 तारखेपर्यंत आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांशी विचारविनिमय करून पुढची राजकारणाची स्ट्रॅटेजी आम्ही ठरवू। बिलकुल नाही, पार्टीशी काही बोलणी झाली का? काहीच नाही। आपला सर्व हस्तगत असं काही ताणच नाही। दरवाजे सबके लिए खुले आहे सर? सबके लिए नाही, दो बोल दो छोड़ के। कौन दो लोग? तुम्ही पत्रकार आहे, दो लगाओ अभी अंदाजा, दो कौन है वो? एनसीपी के भाई साहब जमा है। आजा पहले बोल लिया, दो छोड़ के अब तुम थोड़ा अंदाजा भी लगाओ ना। मैं तुम्हारा भी अंदाज कहाँ तक है वो देखना चाहता हूँ। हर्षवर्धन पाटिल, मैं क्या बोला? दो छोड़ के मैं सबको पाठिंबा दे सकता है और उसकी स्ट्रेटेजी मैं अकेला नहीं ठहरूंगा। हजारों कार्यकर्ता मेरे साथ है, हजारों लोगों की ताकत मेरे साथ है। उनको सबसे बात करके, सबसे विचार करके, सबसे चर्चा करके, सबकी सम्मति से ही अगली रणनीति ठहराई जाएगी। इसमें कितना सच है कि सेठ की नाराजगी दूर हो गई, कांग्रेस वाले कह रहे हैं? मैं क्या बता रहा, कोई सच का और झूठ का मुझे क्यों बोलना है? जिसको बोलना है उसने सच बताना लोगों को, वो कितना झूठा है तो बोलने वाला। मैं तो सच्चा है वो बता रहा आपको। विधानसभा जो है लोड से जो चुनाव आएंगे ये कांग्रेस से लड़ेंगे या? मैंने पहले ही बोल दिया, फिर वही पूछते हो आप कि मैं कांग्रेस और भाजपा से नहीं लड़ूंगा, और क्या बोलना चाहिए? इससे सीधी और सादी कोई लीडर की बात होगी नहीं, कोई गोल मोल बात नहीं है, सीधी और सिंपल बात है। मैं कांग्रेस का प्रचार करूंगा। कांग्रेस से नाराजगी की वजह क्या है? कोई वजह ही नहीं है, यही वजह है कि यहाँ तक लाके पहुंचे, मुझे कांग्रेस ने 36 साल का इनाम दिया। इससे बड़ी क्या इनाम होना और क्या वजह होना।